Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this video we'll discuss about the vitamin A. इस वीडियो में अपन बात करेंगे विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट के बारे में एंड इसके सोर्सेज के बारे में, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए एंड फंक्शंस एंड डेफिशिएंसी के कॉजेज, विटामिन ए के डेफिशिएंसी के सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट के बारे में। तो पहले बात करते हैं इसके डेली रिक्वायरमेंट के बारे में। विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट मेल के लिए होती है 1000 RE। RE मीन्स होता है रेटिनॉल इक्विवेलेंट, 1 RE बराबर 1 माइक्रोग्राम। RE मीन्स रेटिनॉल इक्विवेलेंट। फीमेल के लिए होती है 800 RE। हाँ, अब एक वर्ड होता है विटामर्स और विटामिन या रेटिनॉइड्स। रेटिनॉइड्स बोलते किसे हैं? द कंपाउंड विच हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विटामिन ए एंड रेटिनॉल आर नोन एज रेटिनॉइड्स। वो कंपाउंड जिसमें विटामिन ए और रेटिनॉल दोनों के कैरेक्टर होते हैं उसे अपन बोलते हैं रेटिनॉइड्स। अब कोई कन्फ्यूजन होता है रेटिनल और रेटिनॉल में, मतलब दोनों सेम से ही लगते हैं। रेटिनल होता है वो तो एल्डिहाइड होता है, रेटिनॉल होता है वो एल्कोहल होता है, रेटिनिक एसिड तो एसिड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सोर्सेज के बारे में। विटामिन ए इसके सोर्सेज है कोड और सार्क लिवर ऑयल, है ना, मीट, मिल्क एंड एग्स, मिल्क प्रोडक्ट वगैरह, मीट एंड एग्स एंड कैरेट्स, स्पेनिश पपाया एंड मैंगो इटीसी, ये इसके सोर्सेज है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, है ना। अब विटामिन ए को अपन दोनों सोर्स से ले सकते हैं, वेज सोर्स से, नॉन वेज सोर्स से। अभी सोर्सेज में बात किया था मीट वगैरह, एग्स वगैरह जो भी हैं, और वेज सोर्स में जैसे मिल्क वगैरह है उनसे, है ना। तो वेज सोर्स से तो अपन जैसे विटामिन को लेते हैं माउथ के थ्रू लेते हैं, इसोफेगस हो गए, स्टमक को जाकर फिर इंटेस्टाइन में चल जाता है। इंटेस्टाइन में जाकर विटामिन ए का डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो वेज सोर्स से अपन को क्या मिलता है? बीटा कैरोटीन। और नॉन वेज सोर्स से क्या मिलता है? रेटिनॉल एस्टर। वेज सोर्स से बीटा कैरोटीन और नॉन वेज सोर्स से रेटिनॉल एस्टर। अब बीटा कैरोटीन है उसका डाई ऑक्सीजनेज होकर रेटिनल में चेंज होता है, और रेटिनल है वो रिडक्टेज होकर रेटिनॉल में चेंज होता है। ये एल्डिहाइड है तो इसको एल्कोहल में चेंज करने के लिए इसका रिडक्शन करना पड़ेगा, तो वो रिडक्टेज है। ये बीटा कैरोटीन का डाई ऑक्सीजनेज होकर रेटिनल में, और रेटिनल है जो रिडक्टेज होकर रेटिनॉल में चेंज होता है। इधर नॉनवेज सोर्स से ये रेटिनल एस्टर है, ये हाइड्रोलाइज होके रेटिनॉल और फ्री फैटी एसिड का फॉर्मेशन करता है। अभी रेटिनॉल दोनों में रेटिनॉल का फॉर्मेशन, अभी रेटिनॉल से फिर प्रोसेस आगे बढ़ता है, नहीं फिर रेटिनॉल क्या करेगा, ये रेटिनल एस्टर में चेंज हो जाएगा। अब रेटिनल एस्टर होता है, अब विटामिन ए होता है ना वो फैट होता है, रेटिनल एस्टर है ये फैट है, तो फैट को सीधा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता ना लिवर, ये अपना लिवर है। अब फैट को सीधा एब्जॉर्ब नहीं करता तो फैट के ऊपर क्या होता है कि प्रोटीन की लेयर जमा हो जाती है, जिसे अपन बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। मतलब फैट के ऊपर प्रोटीन की लेयर, उस पूरे कंपाउंड को बोलते हैं अपन काइलोमाइक्रोन। ये काइलोमाइक्रोन है जो लिवर के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, है ना, तो ये लिवर के द्वारा एब्जॉर्ब होगा, और यहाँ पे वो प्रोटीन की लेयर है वो डिजोल्व हो जाती है और रेटिनॉल एस्टर है वो बचता है। अब ये रेटिनॉल एस्टर है जो लिवर के थ्रू ब्लड में जाता है, और जो रेटिनॉल एस्टर है वो रेटिनॉल में चेंज हो जाता है, है ना, हाइड्रोलाइज से। अब ब्लड के अंदर रेटिनॉल से ये रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन है वो ऐड होता है, रेटिनॉल से रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन ऐड होता है, और रेटिनॉल फिर ये ब्लड के थ्रू टारगेट टिश्यू के पास चल जाता है। अब टारगेट टिश्यू में वहाँ पे रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन है ये तो डिजोल्व हो जाता है और रेटिनॉल बचता है। रेटिनॉल है जो रेटिनिक एसिड में चेंज होकर, और जो सेल के अंदर क्रोमोसोम है उससे जाकर अटैच हो जाता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। बस ये अपना डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो गया विटामिन ए का। एक बार दोबारा देखते हैं, वेज सोर्स से क्या मिलता है? बीटा कैरोटीन। नॉन वेज सोर्स से रेटिनॉल एस्टर। इसका डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है? इंटेस्टाइन के अंदर, है ना, इंटेस्टाइन की ल्यूमेन होता है उसके अंदर। बीटा कैरोटीन जो डाइऑक्सीजनेज से रेटिनल में चेंज होता है, और रेटिनल है वो रिडक्टेज के द्वारा रेटिनॉल में चेंज होता है। इधर रेटिनॉल एस्टर है वो हाइड्रोलाइसिस के द्वारा रेटिनॉल और फ्री फैटी एसिड में चेंज होता है। फिर रेटिनॉल है जो रेटिनल एस्टर में चेंज होता है, और रेटिनल एस्टर के ऊपर प्रोटीन लिया जमा हो जाती है, जिसे फिर उस पूरे कंपाउंड को बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन जो लिवर के द्वारा एब्जॉर्ब होता है ना, प्रोटीन लेयर है वो डिजॉल्व हो जाती है। फिर रेटिनल एस्टर जो ब्लड के अंदर चल जाता है, और ये रेटिनॉल में चेंज हो जाता है हाइड्रोलाइज एंजाइम से। हाइड्रोलाइज एंजाइम रेटिनॉल चेंज होकर ये RBP रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन से जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है, अटैच होकर टारगेट से पास चल जाता है। रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन है वो डिजॉल्व हो जाता है, और रेटिनॉल है वो रेटिनॉइक एसिड में चेंज होकर, और प्रोटीन सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है उसे अटैच होकर और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन ए के फंक्शंस के बारे में।
नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन ए के फंक्शन के बारे में। सबसे पहले विजन, विटामिन ए का विजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और विजन के लिए जो एक्टिव कंपाउंड होता है वो होता है 11-cis रेटिनल। अब 11-cis रेटिनल जो लाइट के प्रेजेंस में रेटिनॉल वगैरह में चेंज होता है ना, एक तो विजन में, एक प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल है इसका, सेल ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन में है, एंड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में इसका होता है, ये केटनाइजेशन से बचाता है ना, और ये म्यूकस फॉर्मेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, और एंटीऑक्सीडेंट, ये जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है उनमें एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है, फिर आर्थराइटिस वगैरह होता है उनमें एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की क्या क्या कॉजेज हैं। कॉजेज की बात करें तो पहला इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का एनफ मात्रा में एब्जॉर्प्शन नहीं होने पर है ना, या फिर एनफ लेने पर मतलब पर्याप्त मात्रा में लेने पर इसकी कमी हो जाती है। फैट मालब्जेशन, फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं होने पर, तो विटामिन ए जो फैटी है ना, अगर फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो मतलब विटामिन ए कमी हो जाएगी, और कोई लिवर डिसऑर्डर वगैरह हो जाए तो उसकी वजह से भी डेफिशिएंसी हो सकती है विटामिन ए की। नेक्स्ट बात करते हैं डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या है, इसमें मतलब जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम होता है मेनली ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, तो इसका प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो नहीं होगा तो इम्यून सिस्टम वो वीक हो जाएगा, तो उससे कई तरह की इन्फेक्शन होंगी, ग्रोथ रिटार्डेशन होगी है ना, और नाइट ब्लाइंडनेस। विजन में अपन ने देखा था कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, मेनली रतौंधी बोलते हैं जैसे हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं नेक्टोल्पिया है, नेक्टोल्पिया, नाइट ब्लाइंडनेस, नेक्टोल्पिया एंड कंजेक्टिवाइल या कोरोनल जीरोसिस है ना, एंड जीरोप्थेलेमिया, ये क्रिटिनाइजेशन हो जाता है ना, और कोरोनल अल्सर, बस ये डेफिशिएंसी के सिम्टम्स है। दोबारा देखते हैं, इम्पेयर्स इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का कमजोर हो जाना, कमजोर हो जाएगी तो क्या क्या होगा, इन्फेक्शन होगी, ग्रोथ रिटार्डेशन वगैरह होगी, नाइट ब्लाइंडनेस, नेक्टोल्पिया मीन्स रतौंधी, कंजक्टिवल एंड कोरोनल जीरोसिस एंड जीरोप्थेलेमिया, केटनाइजेशन एंड कोरोनल अल्सर, ये अपना डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हो गए। एंड ट्रीटमेंट, अब डेफिशिएंसी आई मतलब विटामिन ए की कमी आई, तो विटामिन ए का सप्लीमेंट देंगे तो डेफिशिएंसी है जो विटामिन ए की वो ठीक हो जाएगी। हाँ, तो विटामिन ए ट्रीटमेंट के अंदर क्या है, विटामिन ए के सप्लीमेंट, बस ये अपना विटामिन ए कंप्लीट हुआ। थैंक यू।